अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग के रमज़ान भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो जी, आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग पे, आप लोग की अम्मियों के दादियों के डिज़ाइन। ये मेरी मदर इन लॉ के कपड़े मैंने सिलवा अभी टेलर से लेकर आई थी मैं, तो मैंने कहा चले आए वीडियो बनाते हैं और आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँ। ये है जी ड्रेस नंबर 1, ये मैंने बुनांजा से लिया था और इसका कलर बहुत ही प्यारा था, बहुत कूल था। और वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आप लोग को भी अच्छा लगे। तो इस तरह के लूप्स बने हुए हैं, उसके बीच में जो है वो डिज़ाइन लिया हुआ है और सिंपल जो है वो आगे पीछे बॉर्डर और पाइपिंग लगवाई है पिंक कलर की। और बहुत ही खूबसूरत ये यानी कि मदर वाला प्रिंट था। और ये है जिसका सिंपल सा दुपट्टा और सिंपल सी पिंक कलर की शलवार थी और दुपट्टे में मैंने इस तरह की पीको करवा दी थी। तो ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, सोबर सा। इस तरह ये समर के लिहाज से तो ये कलर्स इतने प्यारे आए हुए हैं ना। ये नंबर 2 मैंने ओरिएंट से लिया था और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा था, पीच एंड फॉन। और इस तरह का इसका सिंपल सा हल्ला इसके साथ गला बनवा दिया था। ठीक, इस तरह का उन लोग बना के देना चाहिए अम्मियों को, क्योंकि अम्मियों को गर्मी भी ज़्यादा लगती है और अगर कुछ और ऐड करवा दो तो फिर चुभ यानी कि लेस वगैरह भी चुभती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल रखना है। और फिर लास्ट वाले ड्रेस में हमने पाइपिंग लगवा दी थी और इसमें जो है वो पलटावा और इसके साथ लेस है। लेस ऐसी ही लगवाएं जो चुभने वाली ना हो, मोतियों सितारी वाली ना हो, जीपी वाली प्यारी सी सोबर सी लेस हो। और इसी तरह आगे से जो है बॉर्डर है आस्तीनों के आगे भी और दामन पे भी। ये इसकी पीच कलर की ही सिंपल सी शलवार और ये इसका कंट्रास्ट में दुपट्टा है। इसके भी मैंने चारों तरफ सेम लेस लगवाई थी। तो कौन सा आपको अच्छा लगा, ये अभी भी आपको मिल जाएगा अगर आप ओरिएंट से लेना चाहें तो। ये है जी खाड़ी का, ये 2 पीस लिया था। लॉन बहुत अच्छी होती है खाड़ी की घर में, यानी कि गर्मियों में बहुत अच्छी रहती है। और ये घर में पहनने वाला सूट बहुत अच्छा बन गया था, तो इसमें रेड आ रहा था तो टेलर ने इस तरह से थोड़ी मोटी करके जो है वो गले पे पाइपिंग लगाई है, बाकी जो है वो सारे चारों तरफ जो डोरी पाइपिंग होती है वही है। सही, ये है जिसका कुछ ऑल ओवर प्रिंट था। तो इसके साथ फिर हम लोगों ने स्काई ब्लू शलवार मैच कर ली थी कंट्रास्ट में। और ये रहा जिसका दुपट्टा, और दुपट्टा मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इस तरह से कुछ कलरफुल सा दुपट्टा था और इसके भी जो है वो चारों तरफ हमने लेस लगवा दी थी। और ये खाड़ी का है 2 पीस, ये अभी भी अवेलेबल है। ये सारे डिज़ाइन जो हैं मैं आप लोग को जहाँ से बता रही हूँ ये अभी भी हैं, ये न्यू कलेक्शन है। तो अगर आप लोगों को भी पसंद है तो ज़रूर जाइएगा, विज़िट करें और ले लीजिएगा। 4th सूट ये है, ये भी मैंने ओरिएंट से लिया था। ये है जिसका गला, एक तरफ कट वर्क है और एक तरफ जो है वो लेस के साथ, ये देखें इस तरह कट वर्क है और एक तरफ लेस लगी हुई है बॉर्डर के साथ। सिंपल सा गला बनवाना है ताकि जो है वो चुभे नहीं और अच्छा भी लगे। सोबर सा अच्छा सा बनाना है क्योंकि अम्मियाँ जो हैं वो थोड़े सोबर डिसेंट से कपड़े पहनती हैं। और इसमें भी मैंने लेस ले ली थी ब्लू कलर की लेस इसलिए लगवाई है क्योंकि इसका दुपट्टा जो है वो कंट्रास्ट में है, तो ब्लू कलर की लेस थी। और फॉन कलर के अंदर पलटावा लगवा लिया था, सिंपल बॉर्डर आगे पीछे और आस्तीनों के आगे है। और ये रही इसकी शलवार और ये है जिसका कंट्रास्ट में दुपट्टा। और ओरिएंट पे काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है, जब हमने सारी इनकी शॉपिंग ओरिएंट से ही की है तो काफ़ी अच्छी वैरायटी, इनकी कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी और इनके जितने भी समर वॉल्यूम है वो भी सारे बहुत अच्छे थे। इसके साथ भी मैंने इस तरह की लेस लगवा ली थी चारों तरफ। अच्छा, इनके दुपट्टे जो है वो डोरिया वाले दुपट्टे हैं और चारों तरफ बॉर्डर वाले दुपट्टे आए हैं इस तरह। तो ये थे सिंपल से अच्छे से डिज़ाइन, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।